फिरोजाबाद सेवा समिति द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पूर्व एक शाम शहीदों के नाम देशभक्ति संस्कृत कार्यक्रम पालीवाल हॉल में आयोजित किया गया। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम रखा गया है, किस संबंध में कार्यक्रम रखा गया? आज उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में फिरोजाबाद सेवा समिति के द्वारा अपने अमर शहीदों की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक शाम शहीदों के नाम। ये तो एक सांकेतिक है, हमारी हर शाम शहीदों के नाम है। इसके द्वारा हम अपने शहीदों को स्मरण करते हैं, जिनकी वजह से आज हम ये बोल पा रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम कर पा रहे हैं। हम घरों में सोते हैं और वही फौजी जो शहीद हो गए हैं वही हमारी सुरक्षा करते हैं। तो इन सबके प्रति हम सबको सम्मान देना चाहिए। हमको अपने व्यस्त क्षणों में से निकालकर 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे पर्वों में सपरिवार शामिल होना चाहिए। ये असलम भोला जी और फिरोजाबाद सेवा समिति के द्वारा पिछले काफ़ी वर्षों से इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है। मैं तो अनुरोध करूंगा हर तहसील स्तर पर, हर जिले में इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे हम और कुछ तो नहीं दे सकते लेकिन शहीदों के मान सम्मान में उनकी स्मृति तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भोला जी। आज एक कार्यक्रम किया गया शहीदों का, किस तरीके से? फिरोजाबाद सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आज ये कार्यक्रम रखा गया है, एक शाम शहीदों के नाम। इसमें राष्ट्रीय शायर, राष्ट्रीय कवि और हमारी जो एकेडमी है, नृत्य की एकेडमी है, उन्होंने आज देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी उपस्थित हैं, समाजसेवी राजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर सुरेश चंद्र जी, ललित मोहन जी, डॉक्टर एस पी लहरी जी, विवेक अग्रवाल जी पूर्व मंत्री और सुनील अग्रवाल जी व्यापार मंडल से आज हमारी मंचा सीन है, शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम मैं चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। 15 अगस्त के कार्यक्रम तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा लहराना चाहिए, हर घर के दरवाजे पर रोशनी होनी चाहिए। तिरंगे की पहचान है कि हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं।